गुड आफ्टरनून। आज भी जो टॉपिक है ये करंट अफेयर प्लस इसको स्टैटिस्टिक्स के में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये फर्स्ट इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड भी है। ये 2022 और 2023 का करंट अफेयर है जो एज ए स्टैटिस्टिक्स के मैंने चुना है आप लोगों के लिए। और हो सकता है एनडीए में एक क्वेश्चन हो या सीयूईटी के एग्जाम में भी हो और CDS में भी हो सकते हैं। चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको आते भी हैं। हम पहले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए पहला अवार्ड नहीं, ये बाद में करेंगे टॉपिक, पहले ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, जो इंडिया ने फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बनाया है विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। याद रखिएगा विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। पहली भारत की मिसाइल कौन सी है? अग्नि। वेरी गुड। अग्नि नहीं है भाई, पृथ्वी है। कौन सी है? पहली भारत की मिसाइल पृथ्वी है। फर्स्ट सुपरसोनिक क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। फर्स्ट सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चंस आपके सोनिक मिसाइल। अर्णव बताओ बेटा कि ब्रह्मोस को अभी किसमें कौन से एयर सर्विसेज में लॉन्च किया गया था, उसका ट्रायल लिया गया था? अभी आपको करवाया था ना मैंने उस दिन फर्स्ट डे आपका ये क्वेश्चन। चलिए देखिए फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है? इंडिया की पूछ रही हूँ भाई। आर्यभट्टा। कौन सी है? आर्यभट्टा। जीरो किसने दिया था? ठीक है, दुनिया को पाई 22/7 वैल्यू किसने दी थी? आर्यभट्टा। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी कभी गलती से पूछ सकते हैं। ठीक है, इंडिया और यूएसए ने रिसेंटली कौन सा एग्रीमेंट सैटेलाइट लॉन्च की है? इसरो और नासा ने दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है निशान। किसने किया? इसरो। नासा हमारे यहाँ में बड़े नाम वाला होता है, नासा चढ़िया। ठीक है, गाना भी है असा के मंगिया बढ़िया। चलिए अच्छा नए बच्चे देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये वाला पॉइंट देखिए वहां पे लिखती हूँ। तो मैंने ये बड़ी बार क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, याद भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, नए लोगों के लिए स्टैटिक्स जीके का पार्ट है। इसको देखो, अर्शद सब आंसर बोलेगा, मैं इसे कंट्रीज के नाम लिखूंगी, पहले मैं बताऊंगी नहीं क्या लिख रही हूँ, इतने तुम गूगल खोल के देख लेते हो, गूगल देवता तुम्हारा। भाई मैं इजराइल, मैंने अर्शद को पूछना है। अर्शद चल रहे हो भाई, अर्शद जापान के स्पेस सेंटर को क्या बोलते हैं? जेक्सा। वेरी गुड, जापान के स्पेस सेंटर को जेक्सा। ये एनडीए में सीडीएस में क्वेश्चंस देख देख ये पहन दूंगा। भाई तेरा गूगल खुल गया। मैं मानूंगी इंडिया के, चाइना के, गलत बात है।
CNSA CNSA ठीक है ना, कल पूरी माननी चाहिए। बॉल पाकिस्तान का सुपरमैन कितनी बड़ी याद है सुपार को ठीक है। रशिया का रॉस बैट जवाई। फ्रांस का यूएसए का एंड इजराइल का जो उसकी सबसे बड़ी डिफेंस वो है वही इसका स्पेस सेंटर का भी नाम है। नए बच्चे देखिए जापान का जेक्सा, जापान के स्पेस सेंटर को जेक्सा कहा जाता है। इंडिया के इसरो, चाइना के CNSA, पाकिस्तान के स्पार्को, रशिया के रॉसकॉस्मस और फ्रांस के CNX, यूएसए के नासा एंड इजराइल के मोसाद। सबसे बड़ी डिफेंस जो पोजीशन है वहां पे किसके पास है? मोसाद इजराइल में। ध्यान रखिएगा ये सारी इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है। मिलान अभी तक याद नहीं हुई ठीक है। जो स्पार्को है ये भारत से पहले बनी थी, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है ये भारत से पहले 10 साल पहले बनी थी, भारत की 10 साल बाद में बनाई गई थी। भारत ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था ना रिक्शे पे उठा के किया था ठीक है, हाँ साइकिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहला पैसेंजर ड्रोन वरुणा, इंडिया ने जो फुली ऑपरेशनल मैसेंजर सॉरी ड्रोन एक्टिवेट किया है उसका नाम क्या है? स्वर्ण। ये एनडीए के लिए क्वेश्चन है स्वर्ण। ये वर्ल्ड का पहला स्वर्ण क्या है? ड्रोन एक्टिवेशन सेंटर बनाया गया, वो किसने बनाया? भारत ने। पहला ह्यूमन स्पेस, आज तक भारत की तरफ से कोई भी ह्यूमन स्पेस पे नहीं गया ठीक है। गगनयान मिशन जो है 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इंडिया फ्रांस के साथ मिलके कहां जाएगा? स्पेस में। इंडिया नहीं, इंडिया का कोई ह्यूमन पर्सन ठीक है, कहां जाएगा? स्पेस। वेरी गुड। फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाया INS विक्रांत, इसको कमीशन कहां किया गया? ये भी क्वेश्चन आता है कोची में। कहां पे? कोची में। पहला भारत का कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ले में बनाया गया। ले एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहा जाता है। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया भी है और इंडिया भी है हाईएस्ट। यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है हाईएस्ट नेशनल पार्क इन एशिया और इंडिया। हामिस नेशनल पार्क क्या है? हामिस नेशनल पार्क। हामिस नेशनल पार्क की फेमस पार्क स्नो लेपर्ड। ये याद रखिएगा स्नो लेपर्ड। और यहाँ पे ये यूटी है, ये क्या है? यूटी। इसके न्यू गवर्नर कौन बने अभी? बीडी मिश्रा। वेरी गुड बीडी मिश्रा। ये कौन बोला? बड़ा जल्दी जवाब दिया सेकंड से पहले बीडी मिश्रा। इससे पहले कौन से थे? गिरीश चंद्र माथुर थे। कौन? गिरीश चंद्र नहीं थे ठीक है। अब दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ले के वो थे आर के माथुर। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। और यूटी जेएनके का जिसको बात जी सी मुर्मू जो है संथल कम्युनिटी से आते हैं। और ये करंट क्या है? कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल है भारत के ठीक है CAG। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और इनके आकृति इनको फंड कहाँ से आता है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल को फंड कहाँ से आता है? मैं आकृति से पूछ रही हूँ भाई।
कॉन्टीजेंसी फंड से चल लीगल का बच्चा बोलेगा, लीगल वाला बच्चा, लीगल का बच्चा ही ठीक है, हाँ लॉ वाला बोलेगा। चल तेज वंश बोलना, किसका फंड किससे आता है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल को फंड किसे? कॉन्टीजेंसी फंड। वेरी गुड बिलाल, कंसोलिडेट फंड से ठीक है, कहाँ से आता है? कंसोलिडेट फंड से। अगर बिलाल को नहीं देता ना बाद में देते बात ठीक है, कंसोलिडेट प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सीएजी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इन सबको कहाँ से फंड सैलरी दी जाती है? कंसोलिडेट फंड से दी जाती है। और इसका टेन्यूर जो है ना 6 ईयर है, याद रखिएगा, ये आपके एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्यूर 6 ईयर रहता है, इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ठीक है। फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और कंट्रोलर ऑडिट जनरल को भी प्रेसिडेंट, और जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जिसको अटॉर्नी जनरल भारत का कहा जाता है, उनका टेन्यूर 5 ईयर रहता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक उनका टेन्यूर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन याद के, ये इसलिए साथ में करवाती हूँ ताकि आपके पेपर में आपको आए तो याद रहे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार हम सबको पता है चीता भारत में नामिया से लाया गया है ठीक है, अब हमारे पास 24 और हो गया ठीक है, और ये पहली भारत की कुनू नेशनल पार्क नहीं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है ठीक है। हम अगर आप लोग विकिपीडिया देखते हो, गूगल में सर्च करते हो ना, कुनू नेशनल पार्क आता है, आप बोलते हो मैम एमपी में कुनू नेशनल पार्क है, तो बोलती हूँ है, बट वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में नहीं आता, अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट चीता सेंचुरी जो भारत की बनी है वो कौन है? कुनू नेशनल पार्क। कार्तिक बोल अच्छा, नेशनल पार्क ऑफ एमपी कृष्णा रामा, भाई कोई भी नहीं बोलेगा बीच में फालतू का, मैं जिससे पूछूंगी भैया। चलो भाई बोल, काना किसी को आता है आपको? आप बेटा पढ़ने देना, फिर एनडीए पेपर कैसे क्लियर होगा? एनडीए के लिए आपको 24 आवर पढ़ना पड़ेगा, अब तो 10 डेज भी नहीं रहे। चल बिलाल बोल, माधव फिर बोल रहा कूनू, अभी तो मैंने बोल माधव, जिन जो नए बच्चे वो लिखे माधव, सतपुरा, कल मैंने आपको ट्रिक बताया था, कोई मुझे उस ट्रिक को बताएगा? कृष्णा ने कान्हा को माथु से गनी ऐसे कुछ, सतपुरा, पांच दोस्त फौजी लूटने गए, पांच दोस्त बांधवगढ़ में फॉसिल ढूंढने गए, ये ट्रिक था। पांच दोस्त कौन से? कृष्णा नहीं, कान्हा, माधव, संजय, सर संजय और पन्ना ठीक है। ये सब कहाँ गए? बांधवगढ़। कहाँ गए? बांधवगढ़। क्यों गए? फॉसिल ढूंढने के लिए। अभी 8 है भाई, पांच रह गया, सतपुरा लिख दिया, सत लिखा नहीं दोस्त का नाम। पांच दोस्त कौन कौन से? कान्हा, माधव, पन्ना, सत, संजय। कहाँ गए? बांधवगढ़। बांधवगढ़ में क्या करने गए? फॉसिल ढूंढने। और कौन से स्टेट में गए? एमपी में। कहाँ पे गए? एमपी में। और याद रखिएगा, इससे एक और क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन क्या है? मॉन्यूमेंट, एमपी के मॉन्यूमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है। खजुराहो कहाँ पे है? एमपी में। खजुराहो कहाँ पे है और किसने बनाया? खजुराहो टेंपल किसने बनाया? करण कुमारा गुप्ता, कृष्णा, किसने बनाया? ओ भाई गंगाई चोला एम्पायर ने बनाया, किसने बनाया? पांड्यास ने बनाया, किसने बनाया?
राइट क्या हो गया अभी मैं रिवीजन करवाऊंगी इस टॉपिक की ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखिए इंडिया की पहली डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई गई है लद्दाख में ठीक है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आप रात को सुंदर सुंदर तारे देख सकते हो और ये कौन सी विलेज में है हैंगल कहाँ पे है हैंगल विलेज अब ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है देखिए पहली कंट्री बनी है यूएस की पहली स्टेट सॉरी सिटी बनी है यूएस की यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया है सेटल कौन सी है ठीक है यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कभी भी आपको न्यूज में भारत किसी भी न्यूज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं बताएंगे बट एशिया के इश्यू सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं ठीक है वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल की गई है उज्जैन उज्जैन में कौन सी उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है शिप्रा अब यहाँ से पांच छह नदियां और देख लीजिए उज्जैन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कुंभ का मेला जो है भारत में चार जगह होता है कहाँ पे एक हाँ बोलो नासिक उज्जैन ठीक है नासिक और हरिद्वार और प्रयागराज ये आपको ये सारी नदियां ये उज्जैन किसके तट पे सिचुएटेड है उज्जैन शिप्रा नदी कौन सी शिप्रा ये भी याद रखना शिप्रा और नासिक गोदावरी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कौन सी है गोदावरी नासिक गोदावरी नर्मदा नहीं है ठीक है एमपी एमपी भी गोदावरी है ना हरिद्वार गंगा एमपी गोदावरी है प्रयागराज तीनों नदियों का संगम यहाँ पे होता है और सरस्वती सरस्वती गंगा यमुना हाँ अलग किया था ठीक है उज्जैन शिप्रा नासिक एमपी जो है वो नर्मदा के किनारे एमपी एमपी को सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है जब प्लेट टेक्टोनिक्स हुई थी ये दोनों नदियां तापी और नर्मदा उल्टी बहने लगी थी ठीक है नर्मदा और तापी दोनों उल्टी बहती हैं ठीक है ये यहाँ सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे नर्मदा जो है कितनी बातें करते यार तुम्हारे दिमाग खराब है नर्मदा जो है विंध्यास के पहाड़ों से बहती है ठीक है और तापी जो है सतपुरा की याद रखिएगा नर्मदा विंध्यास के पहाड़ों से जिसको बातें करेंगे वहां चला जाए सतपुरा जो है वो तापी सतपुरा जो है तापी के पहाड़ों से बहती है और उल्टी बहती है दोनों अरेबियन सी में मिलती है कहाँ मिलती है अरेबियन सी में इंडिया के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट किस स्टेट में है मध्य प्रदेश में हमारे पास तीन क्वेश्चन और देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एनडीए सीडीएस के एग्जाम में इसको कंप्लीट होने देंगे सीरीज को ठीक है ये हो गया डन ओ ये लिखना था तुम लोगों ने लिख लिया नहीं लिखने वाले बड़े हैं भाई ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कौन सा बोला लिखने को एरिया देखिए भाई इंडिया के पास फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा एमपी के पास है ठीक है लार्जेस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है लिटरेसी रेट जो है वो केरला के पास है ठीक है लार्जेस्ट एरिया बाय लैंड ठीक है लार्जेस्ट एरिया हम स्टेट की बात करें यहाँ पे बड़े सारे बच्चे जो है वो महाराष्ट्र लिखाते हैं मुंबई लिखाते हैं ठीक है मुंबई जो है लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया है ठीक है और लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वो कौन सा है वो राजस्थान है एरिया वाइज ठीक है कौन सी है राजस्थान लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पॉपुलेटेड स्टेट
इन इंडिया यूपी उत्तर प्रदेश. लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया मुंबई. महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र एक स्टेट है. सिटी इन इंडिया कौन सी है? मुंबई. स्मॉलेस्ट सिटी इन इंडिया सिक्किम. वेरी गुड. स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया गोवा. एंड सिक्किम क्या है? पॉपुलेशन कम है. स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया सिक्किम. ठीक है, पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया. अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट. सिक्किम कौन से स्टेट में रिसेंटली हाईएस्ट लिटरेसी रेट आया है? यूपी. बोलो कौन सी पहले स्टेट तो होगी केरला, और दूसरी कौन सी है? लक्षद्वीप और भाई दो की थी ना, अंडमान निकोबार की थी लक्षद्वीप, फॉलोड बाय लक्षद्वीप एंड उसके बाद. हाँ भाई ये तो पूछा क्वेश्चन है ना मैंने. हाँ ठीक है, तीन है. पहली इस बार आई है केरला, सेकंड यूटी है दोनों. ठीक है, लक्षद्वीप एंड अंडमान. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फेब का मार्च का क्वेश्चन. ये आपकी लार्जेस्ट स्टेट और एरिया वाइज हो गया. ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया चलने दे. ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया द्रास. ठीक है, बेटेस्ट प्लेस इन इंडिया मैसर. ठीक है, ये कहाँ पे? चेरापुंजी मेघालय में. मेघालय को अबाउट ऑफ क्लोड बोलते हैं, बार बार रिपीट करती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खुलेगी. ठीक है, एमपीए में नहीं खुलेगी. कहाँ खुल रही है? अभी खुलेगी, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है. ठीक है, ये तेलंगाना में पहला बायो विलेज त्रिपुरा. पहला बायो विलेज त्रिपुरा. ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें मैंने डिस्कशन ऑन क्लास में पहले कर चुके हैं. ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको इजी टू लर्न हो जाए और याद भी रहे. ठीक है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. यहाँ पे मेरे से गलती होगी, प्रिंट होते हैं टाइप करते हुए. सुपर कंप्यूटर, वो देखो भाई, फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है अब कौन सा है? सॉरी फ्रंटियर. और भारत का उसके बाद जापान का आता है. पहले जापान का था. ठीक है, आप उसका नाम बताओगे, मुझे भारत का चाहिए. कौन बताएगा भारत के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 1000. ठीक है, क्या है? परम. ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा. ये भारत का क्या बना है? सुपर कंप्यूटर. और रिसेंटली जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया वो यूएसए ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? फ्रंटियर. अभी हम ये आयुष मंत्रालय के साथ, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है. आयुष मंत्रालय के साथ WHO ने एग्रीमेंट किया है और कहा है कि वो भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलेंगे. कहाँ पे? गुजरात में. कहाँ पे? गुजरात में. ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? गुजरात में. फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, पहला भारत का जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? एमपी में. कहाँ पे? एमपी में. ये सारे जो फर्स्ट है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है. ठीक है, ये मैंने 2022 और 2023 के एड किए हैं. मौसम राव MAWSYRAM. कितने मिनट हुए? 23. चलो ये मैं स्लाइड कंप्लीट करूं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है भाई? स्मॉलेस्ट सिटी इंडिया में इन मंथ एरिया. एरिया नहीं यार. अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गया. इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ. बांग्लादेश है ना. पाकिस्तान के साथ हम सबसे ज्यादा बॉर्डर नहीं शेयर करते, हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं. और इंडिया सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है? भारत की कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है? राजस्थान. दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा. हम बॉर्डर सबसे ज्यादा हमारा किसके साथ मिलता है? बांग्लादेश के साथ. बट हमारी कौन सी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? ये कौन सी है?
deserts. Thar desert. Thar desert is also known as Great Indian Desert. Great Indian Desert. Largest desert in India, Thar Desert. Largest desert in world, Sahara Desert. Largest cold desert in world, Antarctica. ठीक है, ये भी याद रखेगा. अभी गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया में. चाइना ने लास्ट ईयर से लास्ट वीक लेके जो गोबी डेजर्ट है वो हमारा है, मंगोलिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना होता है. ठीक है, चलिए. फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत बनाई है राजस्थान में. फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट केरला. फर्स्ट वुमेन, ये भी मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं. पहली वुमेन जिसके नाम पे स्टेडियम बनाया गया रानी राम पर. पहले भाई जिनके ग्रैंड मास्टर जीतने वाले विघ्नेश एंड विशाख. ओल्ड टेनिस प्लेयर जिसने, ये ओल्डेस्ट मैंने यहाँ फर्स्ट, ये फर्स्ट भी है और ओल्डेस्ट इन इंडिया भी है. ठीक है, रोहन बापना बहुत ओल्डेस्ट प्लेयर है, टेनिस खेलते हैं और इन्होंने एटीपी मास्टर 1000 जीता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है. और ये वाले जो करंट अफेयर होते हैं ना, ये पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो. पहली क्रिकेटर टू हैव स्टैचू, मिलिंडा क्लार्क. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी, सिडनी स्टेडियम में इसको इंस्टॉल किया गया. ईरानी का फाइनल रेस्ट ऑफ इंडिया क्राउन. पहली बार संतोष भाई टी, ये संतोष ट्रॉफी है. ठीक है, संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने. फीफा प्लेयर लियोनल मेसी, इनको मैंने ऐड किया ताकि आपको रिवीजन हो जाए. ये वाले क्वेश्चन बड़े चांसेस हैं आपके सीयूई टी और सीडीएस एनडीएमए आने के चांसेस. इसमें से आप लिख लो, मैम ने बोला है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर. ठीक है, आपको 100% आएगा क्वेश्चन. और यहाँ पे ये क्वेश्चन एक पार्ट खत्म करते हैं. नेक्स्ट हम अवार्ड्स की तरफ रिवीजन करेंगे. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. जय भारत.